पड़ी सहनाई और तूर, तीनों निकसी न बाहुरे साधु सती और सूर। कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी, कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी। वाह, कबीरदास जी ने क्या लिखा है कि जैसे ढोल डुगडगी और नगाड़ा शहनाई से निकला स्वर वापस नहीं हो सकता, वैसे ही साधु सती और सूरवीर जो संकल्प ले लेते हैं फिर उससे वह पीछे नहीं हटते। भरी है तेरी वाणी, कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी। खेल दिखाते नट की रस्सी ऊपर से टूट जाए तो फिर उसे किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार साधु सती और सूरवीरों का संकल्प भी इतना कठिन होता है कि न तो उसे तोड़ा जा सकता और न ही उसका मुकाबला किया जा सकता। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक ने न चकोर, आठ पहर निरखत रहे गुरुमूर्त की ओर। कबीरा से भरी है तेरी वाणी, कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी। कबीर जी कहते हैं जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता रहता है, वह दिन के आठ पहर यानी कि 24 घंटे चंद्रमा की ओर देखता रहता है, वैसे ही सच्चा सेवक नित्य प्रति गुरु की भक्ति में रत यानी कि लीन रहता है। गुरु मूर्ति आगे खड़ी दुया भेद है नाई, उन सबको प्रणाम कर सकल तिमिर मिट जाए। कबीरा से भरी है तेरी वाणी, कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी। कबीर जी कहते हैं कि गुरु को साक्षात ब्रह्मा मानो, कोई भेद मत करो, फिर संदेह के बादल छंट जाएंगे और ज्ञान का प्रकाश इतना फैल जाएगा कि आपके जीवन में हर तरफ उजियारा ही उजियारा हो जाएगा। ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाइए सदगुरु चरण निवास। कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी, कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी। कबीर जी कहते हैं जो सच्ची गुरु की सेवा करता है उसे ज्ञान प्रेम दया भक्ति और विश्वास के जैसे सद्गुण सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, इसीलिए गुरु की सेवा सच्चे दिल से हमेशा करते रहना चाहिए।
कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते ओर, हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी, कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी। कबीर जी कहते हैं, उन लोगों को नेत्रहीन मानते हैं जो गुरु को महत्वहीन समझते हैं। वे कहते हैं, भगवान के रूठने पर स्थान मिल सकता है, लेकिन गुरु के रूठने पर कहीं ठिकाना नहीं मिलता। इसीलिए सदैव अपने सद्गुरु का सम्मान करें।